कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से विभिन्न बैंकों के 4 एटीएम सहित 1,55,000 रूपए की नकदी भी बरामद की है। कोतवाली थाने के एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम को मुखबिर के जरिए 3 संदिग्ध लोगों की एटीएम से पैसे निकालने की सूचना मिली, जिस पर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची व 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर तीनों के पास 4 विभिन्न बैंकों के एटीएम, 1,55,000 रूपए की नकदी मिली। नकदी व एटीएम के संबंध में जब तीनों से पूछताछ की गई तो तीनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिसकर्मियों से झगड़ा करने पर उतारू हो गए, जिस पर मोहन लाल प्रजापत, छगन प्रजापत व चुन्नी लाल प्रजापत को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने लाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मालूम चला कि तीनों आरोपी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं और एटीएम के जरिए ठगी की रकम निकालकर फरार हो जाते हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों से ठगी की वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस संबंध में कल शाम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को यह बताया है कि 3 लड़के हैं और ये एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, संदिग्ध हैं, जिस पर जो है पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, आसपास तलाश किया तो 3 व्यक्ति मौके पर एक दुकान के पास मिले, तो पुलिस ने जो है उनसे पूछताछ की तो तीनों ने अपना नाम बताया। एक का नाम मोहनलाल प्रजापत है, दूसरा छगन प्रजापत है और तीसरा चुन्नी लाल प्रजापत है। इन तीनों से जो है बातचीत की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जो है लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो गए, जिस पर जो है इनको दस्तियाब करके धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया। इनके पास जो है 1,55,000 रुपए कैश और 4 एटीएम मिले जो संदिग्ध थे, तो उनको जो है प्लग से जब्त किया गया और इस संबंध में जांच जितेंद्र सिंह एएसआई के जुम्मे की गई। जितेंद्र सिंह एएसआई ने जांच के दौरान जो एटीएम्स थे जब्त किए गए थे उनकी डिटेल निकलवाई, बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाए और आरोपियों से भी पूछताछ की गहनता से, तो ये तथ्य सामने आया है कि ये 1,55,000 रुपए जो थे ये साइबर ठगी के रुपए थे और इस संबंध में जो है जांच रिपोर्ट पे अलग से मुकदमा दर्ज किया जाए।